महिला सशक्तिकरण को लेकर देवास जिले में बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला को न्याय दिलाने के लिए नर्मदा युवा सेना संगठन ने महिला विंग की शुरुआत की। नर्मदा युवा सेना द्वारा देवास में नदी संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष नर्मदा युवा सेना श्री प्रवेश अग्रवाल, महासचिव अजय जी सोरके, प्रवक्ता सोनू जी सोनाने एवं उपाध्यक्ष प्रमोद जी पाल उपस्थित थे। नर्मदा युवा सेना के सैनिकों द्वारा श्री अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य विषय को लेकर सभी ने मार्गदर्शन प्रदान किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि नर्मदा युवा सेना नदी संरक्षण, स्वच्छता एवं गौ संरक्षण का कार्य करता है। इसी कड़ी में इस समारोह में नर्मदा युवा सेना ने पूर्ण मां सिप्रा नदी घाट की सफाई का संकल्प लिया एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नर्मदा युवा सेना द्वारा अपने संगठन में महिला विंग की नींव रखी गई, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, रेप एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य करेगी, जिसमें सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार प्रकट किए एवं वर्तमान में गौ वंशों की हो रही दयनीय स्थिति भी अत्यंत विचारणीय है। इस पर नर्मदा युवा सेना द्वारा जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। देखिए, हमारी नर्मदा युवा सेना की ये दिवस कार्यकारिणी की मीटिंग हर महीने वैसे भी होती है। आज कुछ प्रमुख विषय थे। हम लोगों ने अभी पिछले महीने ही माछिप्रा नदी की सफाई की थी। प्रशासन के निष्क्रिय होने पर प्रशासन को हम लोगों ने बहुत चेताया, और फिर भी जब प्रशासन निष्क्रिय समझ में आया तो नर्मदा युवा सेना ने खुद बीड़ा उठाया और पूरे तट को साफ किया था, और जिसकी फिर वापस बाद में प्रशासन के द्वारा भी बुरी बुरी प्रशंसा की गई थी। लेकिन अभी देखा गया है कि वो फिर से वहाँ पे गंदगी फैल गई है, और अभी नर्मदा युवा सेना को पूरे देश देश कोने कोने से फ़ोन करते हैं जब नदियों में इस तरीके का वो आता है। तो एक तो उस पर आगे के आंदोलन की रणनीति हमारे अजय भाई, सोनू भाई के नेतृत्व में बन रही थी, और आज हम नारी सशक्तिकरण की बात भी कर रहे थे। आज नर्मदा युवा सेना महिला विंग को शुरू करने जा रही है, और शायद देश के इतिहास में एक नया अध्याय होगा, और शायद नर्मदा युवा सेना के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस देश को एक नए युग की तरफ ले जाएगा। और तीसरा, इस महीने हमारे कुछ और आंदोलन पे किस तरीके से कार्रवाई होगी उस पर कार्यकारिणी की समिति। आपका परिचय जी? आपका? मैं प्रवेश अग्रवाल, मैं नर्मदा युवा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे भाई सोनू सुनाने जी वक्ता है, हमारे अजय भाई जी, प्रमोद भाई जी, आकाश भाई जी यहाँ पे हैं, और पूरा परिवार है, पूरे सदस्य हैं आपके कार्यकारिणी के, 200 से भी ज़्यादा।